सक्षम जी, जल्द से जल्द हमारा प्लान पूरा करना पड़ेगा। कब तक हम ऐसे ही छुप छुप के मिलेंगे और एक दूसरे को छुप छुप के आई लव यू कहते रहेंगे? गोपिका, सब प्लानिंग हो चुकी है, बस थोड़ी सी रिहर्सल करनी बाकी है, सब हो जाएगा। ठीक है, तो कब और कैसे करना है ये आप सोच के मुझे बता दीजिए। तब तक मैं सुभद्रा जी को चाय देकर आती हूँ। जय श्री कृष्णा। मैं आ जाऊं? मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूं। आप कैसी है तबीयत? ठीक है, सब ठीक है ना? चाय के साथ बिस्किट खाएंगी? बिस्किट खाएंगी तो मैं आपको दवाई दे सकती हूँ। जल्दी जल्दी ठीक होना है ना? पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद है आपको? आपका परिवार, भाई बहन, माता पिता, आपके आपके बच्चे? कोशिश करिए, शायद कुछ याद आ जाए। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी, डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से खाइए, ज्यादा जोर मत डालिए। हाँ, अगर आपको याद आ जाता तो आप जल्दी ठीक हो जाते ना। पर कोई बात नहीं, ये मैं आपको दवाई दूंगी और कान्हा जी की कृपा से आप पक्का जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, मैं इसे उठाती हूँ। क्या आपने बनाई? ये आदमी आप जानते हैं इसे? हाँ बताइए। मैंने हाँ, कौन है ये? शायद हाँ, कौन है? नहीं, कोशिश करें, याद आ जाएगा। देखिए ये स्केच, देखिए। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता। माँ जी से इस बारे में बात करनी होगी, शायद उन्हें कुछ पता हो इस बारे में। पता नहीं मीति बहन, बच्चे जो जी जान लगाकर इतना कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे समझ में नहीं आ रहा। जरूर होंगे, पूरी मेहनत और लगन से किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो तो है। माँ जी, वो सुभद्रा जी आप ही के गांव से है ना? उनके बारे में कोई जानकारी है आपके पास, या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में? क्या कभी कुछ गलत हुआ उनके साथ, या उनके किसी परिवार के सदस्य के साथ कुछ गलत हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? माँ जी,
जब से सुभद्रा जी यहाँ आई है एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है उनके तरफ। जब उन्हें बीमार देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बस चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उन्हें क्या हुआ है, बीमारी के पीछे का कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कुछ गलत हुआ है उनके साथ तो तुम बार बार ऐसा क्यों कह रही हो कि उनके साथ कुछ गलत हुआ? मैं ये तस्वीर देखकर बोल रही थी जो उन्होंने बनाया है। माँ जी आप देखिए, क्या कोई जानकारी है आपके पास उनके बारे में? तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? ये उनके बिस्तर के नीचे से मिला। मैंने उनसे पूछा भी ये आपने बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता कि ये तस्वीर उन्होंने बनाई है? चित्र तो मैं ही बनाती हूँ ना मीनल माजी, पूरे घर में और कोई नहीं बनाता है। तो अब बची बस सुभद्रा जी, तो मुझे लगता है ये उन्होंने ही बनाया है। हाँ बेटा, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ कि ये चित्र उन्होंने ही बनाया है, पर तुम उनकी मानसिक हालत तो जानती हो ना, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर उन्होंने सक्षम को मारने की भी कोशिश की थी, तो अब इसे देखकर हम क्या सोचें कि वो अपनी पिछली जिंदगी में खूनी थी? नहीं ना, सोचो बेटा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं तो डॉक्टर को अपना काम करने दो। हाँ अने बीजी बात, कल से आखिरी और बहुत ही जरूरी जंग का आगाज होने जा रहा है। हम सबको चौकन्ना रहना होगा। कल हमें जल्दी उठना है, वो भी प्रिया से पहले। तुम जाओ और आराम करो। हाँ बेटा, तुम आराम करो, ये मैं रख लेती हूँ। जी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। ये पहले जानवर का हॉस्पिटल हुआ करता था, अब ये जगह खाली है। अब इतने शॉर्ट टाइम में यही एक जगह बची थी ऑफिस दिखाने के लिए। नमस्ते 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 नमस्ते। ये हसमुख भाई। हसमुख? 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 ये वाले नहीं, ये वैसे थिएटर आर्टिस्ट हैं, हमारी मदद करेंगे। और ये प्ले कर रहे हैं प्यून का रोल। तो चलो रिहर्सल शुरू करते। थिएटर आर्टिस्ट है भैया, हमको रिहर्सल का जरूरत नहीं है। आप लोग करिए, हम तो इतना कड़क चाय पी कर आ रहे हैं। अरे थिएटर आर्टिस्ट है। थिएटर आर्टिस्ट रिहर्सल नहीं करते? नहीं करते हैं। आज फिर कब सोए, कैसे सोए, कुछ भी याद नहीं आ रहा। सक्षम भी कमरे में नहीं था जब उठी तो। सब कहाँ गए? गोपिका भी नजर नहीं आ रही। हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, मंच का कलाकार अच्छा भी नहीं करेगा। ठीक है चलते हैं। चलो। क्या हुआ? गोबर है आशी, जानवरों के अस्पताल में क्या मिलेगा यहाँ? कोई बात नहीं, मिट्टी से साफ करो ऐसे। अरे साफ करो ऐसे मिट्टी से। अरे ये जगह कितनी गंदी है, इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। ऊपर से मच्छर है, गोबर है। शत प्रतिशत सही कहा आशी, इस जगह की सफाई करनी पड़ेगी। इनका मतलब क्या है, मुझसे करवाएगी क्या? कोई बात नहीं बेटा, हम सब मिलकर कर लेंगे ना, है ना? हाँ। और मच्छरों के लिए फ्यूमिगेशन किट मंगवा रखी है, तो अंदर जाने से पहले एक बार स्प्रे कर देंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन घर पे झुमकी सही से झूठ बोल ले तो ठीक है,
वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जुमकी पर विश्वास रखिए, वो बिल्कुल सही करेगी। ओके। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होगा। वो गोपिका भाभी, वो तो बाहर किसी से मिलने गई है। वो सुबह फोन पे बात कर रही थी ना वो। अच्छा, कुछ घंटों के लिए छुटकारा मिलेगा। अब और बाकी सब लोग कहाँ हैं? चिराग भाई और आशीबेन तो मार्केट गए हैं, और बाकी सब मंदिर गए। मंदिर? हाँ, मुझे छोड़ के मंदिर चले गए। हे कृष्ण भगवान, यहाँ तो बहुत अस्त व्यस्त माहौल है। अब होगी असली सफाई शुरू। मुझे क्यों नहीं बुलाया ऐसे कि... वो आप सोई हुई थी ना, तो सक्षम भाई बोले कि क्या कि उन्हें अपनी सोई हुई पत्नी को नींद से जगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, ऐसा कहा सक्षम ने? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम जाके चाय ले आओ। कल रजिस्ट्रेशन है, कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा, मंदिर चले गए। जबरदस्त, अब लग रही है ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ग्रेट जॉब विद द सफाई। चलो अब रिहर्सल शुरू करते हैं। हाँ। क्या कहना है, क्या करना है, सब इसमें लिखा है। लेकिन ध्यान से जो भी करो, अपने ध्यान को केंद्रित करके। प्रिया को शक नहीं होना चाहिए और ना ही मस्ती मजाक लगना चाहिए। अंडरस्टूड छे? अब शुरू हो जा। डॉक्टर साहब, माँ ठीक है ना? हार्ट अटैक है, बाईपास करना पड़ेगा। आप रिसेप्शन पे जाके 3 लाख रुपए जमा कर दीजिए, हम सर्जरी शुरू करते हैं। तीन लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? सब मेरी गलती है ना, मैं कॉल सेंटर में फोन करता ना ऐसी सिचुएशन आती और ना ही माँ को हार्ट अटैक आता। तेजल, मैं कभी इतने पैसे ही नहीं कमा पाया कि मैं तुम्हें और माँ को खुश रख सकूं। ऐसी बात मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है तेजल, माँ को खो नहीं दूंगा ना मैं। जब से हमारी शादी हुई है ना तेजल, तब से मैं तुम्हें कोसे ही जा रहा हूँ। शायद ये उन्हीं कर्मों का फल है। सब ठीक हो जाएगा हितेन। ये चला रहा पापा, माँ को बचा लेना। Divorce agreement is between two people. क्या लिखा है? ये सब हम डायलॉग में बोलेंगे तो प्रिया तुरंत समझ जाएगी। हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन भाभी वैसे आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो गई है। क्योंकि आपकी भाभी 10th क्लास के एग्जाम देने वाली है। शू? इसे दिल दाद लगा के पढ़ाई कर रही है, ये सब उसी का नतीजा है। क्या? सच? गोपिका वो 10वीं क्लास की परीक्षा, शाबाश। एक बात आप लोग और बता दूं, जो गोपिका ने अभी पढ़ा वो स्क्रिप्ट नहीं थी। ये है वो डिवोर्स पेपर जिस पर हम प्रिया के साइन करवाएंगे।
और इसके बीच में रखेंगे हमारी प्रॉपर्टी के पेपर। और ये है वो असली स्क्रिप्ट। सक्षम दिख रहा, एक काम करो, ये जो रिहर्सल की कॉपी है ना, ये सबको दे दो और हम एक बार कर ही लेते हैं रिहर्सल। इसमें सब लिखा है, क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या करना है, क्या नहीं, वो सब इसमें है। और रोल क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गोपिका बनेगी रजिस्ट्रार ऑफिसर, आप दो न्यू कपल, छोटी माँ आप, और मिस्टर मोदी आप बनेंगे इनके पेरेंट्स। अने हाँ, मैं और सक्षम दिकरा प्रिया के साथ रहेंगे ताकि प्रिया को कोई शक ना हो। ये लीजिए आप अपनी स्क्रिप्ट, इसमें सब लिखा है। हाँ। हाँ। मैडम देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किस्तों में पैसे दे दूंगा, आप प्लीज मेरी माँ की सर्जरी शुरू करवा दीजिए, उन्हें हार्ट अटैक। सर पेमेंट तो आपको एडवांस में ही करनी होगी, ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं। सॉरी सर ऐसा। अरे यार कैसे बात कर रहे हैं आप क्या ऑनलाइन पेमेंट होती है? जी डिटेल्स दीजिए। तीजन, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये मेरी जॉब की अब तक की कमाई है। पर तीजन, हेदेन, जैसे तुमने अपनी गलती मान ली है, वैसे मैंने भी अपनी गलती मान ली है। और इस सिचुएशन में जितने जिम्मेदार तुम हो, उतनी जिम्मेदार मैं भी तुम हूँ। टेंशन मत लो। सक्षम को फोन करके पूछती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। आदर्श बहू और बीवी बनने का नाटक भी तो करना चाहिए। तो आप लोगों को अपने-अपने कैरेक्टर समझ आ गए? हाँ। गोपिका? हाँ। तब तैयारी पक्की? एक मिनट, लेकर प्रभु का नाम करते हैं शुभ काम शुरू। फोन नहीं उठा रहा। अभी भी नहीं उठा रहा।